हे गाई नमस्कार, आप लोगों का टॉप 10 क्लासेस के प्यारे से YouTube फैमिली पर स्वागत है। गाई आज की लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 12 की भौतिक विज्ञान की फर्स्ट भाग के लास्ट चैप्टर की बात करने वाले। प्यारे बच्चों, यहां से आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट दो ही क्वेश्चन बनते हैं, एक विस्थापन धारा क्या होती है और एक मैक्सवेल के समीकरण को पूछा जाता है। प्यारे बच्चों, और चैप्टर बहुत सरल है, बहुत आसान है और उससे भी आसान और सरल हम बना देंगे। प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। आज के चैप्टर का नाम है विद्युत चुंबकीय तरंगे। आज के चैप्टर का क्या नाम है प्यारे बच्चों? विद्युत चुंबकीय तरंगे, अर्थात आज हम विद्युत चुंबकीय तरंगों के बारे में पढ़ने वाले हैं। परंतु उससे पहले हम थोड़ी बहुत जान लेते हैं कि विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या होती हैं, या पहले हम चर्चा करते हैं तरंगे क्या होती है। पहले बच्चों, आपने कक्षा 9वीं की क्लास से ही तरंगों के बारे में जानना स्टार्ट कर देते हैं। 11वीं क्लास में सबसे ज्यादा तरंगों के बारे में डिटेल से चर्चा होती है। आपने किसी न किसी दूसरे शिक्षक से या टीचर के माध्यम से पढ़ा होगा या खुद से पढ़ा होगा तो जरूर जानते होंगे कि तरंगे क्या होती है। प्यारे बच्चों, परंतु एक दो एग्जांपल आपको दिया जा रहा तरंगों का क्या होता है। ऐसा बात होता है कि तरंगे आपकी दो प्रकार की होती है, एक अनुप्रस्थ होती है, एक अनुदैर्ध्य होती है। एक अनुप्रस्थ होती है, एक अनुदैर्ध्य होती है। भैया, अब अनुप्रस्थ कौन सी होती है और अनुदैर्ध्य कौन सी होती है? जो तरंगे इस प्रकार से चलती हैं उन्हें अनुप्रस्थ तरंगे कहते हैं, और जो तरंगे इस प्रकार से चलती हैं, जो संपीड़न और विरलन के रूप में चलती हैं, उन्हें हम अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं, और जो जो श्रृंग और गर्त के रूप में चलती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं भैया? अनुदैर्ध्य तरंगे कहते हैं। अब बात होती है कि तरंगों का आप एग्जाम्पल कैसे देखते हैं। आपने देखा होगा कि अनुप्रस्थ तरंगे का एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं। देखिए, जैसे आपने देखा होगा शांत जल होता है, तालाब होता है, कुआं होता, उसमें एक छोटा सा कंकड़ डाल देते हैं, छोटा सा पत्थर फेंक देते हैं, तो क्या होता है? जो जल होता है वो जल के लेयर एक लेयर दूसरे लेयर को धक्का देते हुए ऐसे 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 करते करते किनारे तक पहुंच जाते हैं। क्या जल अपने स्थान से आगे जाता है? नहीं, जल वहां से नहीं जाता, परंतु जल की जो परतें हैं एक परत दूसरी परत को धक्का देता है, एक परत दूसरे परत को विस्थापित करता है। ऐसे एग्जाम्पल आपने कई देखा होगा प्यारे बच्चों। तो ये होता है अनुप्रस्थ तरंगे, ये होती है अनुदैर्ध्य तरंगे। अब हम यहां चर्चा करेंगे आखिर विद्युत चुंबकीय तरंगे कौन सी तरंगे हैं, उनकी चर्चा करते हैं। तो भैया, यहां पर लिखा गया है वह तरंग जिसमें विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र तरंग संचरण की दिशा के लंबवत दोलन करते हैं। यानी आप ये समझिए कि ऐसी तरंगों को हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहेंगे जो कि जैसे ऐसे इधर आगे की तरफ जा रही है। ये एक उंगली मैं आपको दिखा रहा हूं, ये तरंग है। अब ये तरंग की संचरण की दिशा है, मतलब ये इधर आगे की तरफ ऐसे ऐसे करके बढ़ रही है। अब हम इनको विद्युत चुंबकीय तरंगे तब कहेंगे जब इस पे विद्युत क्षेत्र और जो चुंबकीय क्षेत्र है, अर्थात विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ हो और चुंबकीय क्षेत्र इधर आपके तरफ हो, यानी लंबवत हो एक दूसरे के, तो हम कह सकते हैं प्यारे बच्चों वो तरंगे कौन सी तरंगे होंगी? विद्युत चुंबकीय तरंगे होंगी। यानी मोटे तौर पे अगर हम बात करें कि ऐसी तरंगे जिनके जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं उसके संचरण की दिशा के लंबवत होंगी, तो उसे हम विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। यहां पर लिखा गया है ये जो तरंगे होती हैं, ये तरंगे कहां से उत्पन्न होती हैं? दोलित विद्युत परिपथ से उत्पन्न होती है। प्यारे बच्चों, और हम लोगों ने दोलित विद्युत परिपथ पढ़ के रखा है, तो क्या लिखा गया है कि ये जो तरंगे होती हैं वो कहां से उत्पन्न होती हैं? दोलित विद्युत परिपथ से उत्पन्न होती है। अब कैसे दोलित विद्युत परिपथ से उत्पन्न होती है तरंगे? प्यारे बच्चों, जो आवेश होते हैं उनको हम लोग क्या कराते हैं, उनको जो है अधिक त्वरित करके जब गतिशील करा देते हैं, जब गति करा देते हैं, तो कौन सी तरंगे उत्पन्न हो जाती है? विद्युत चुंबकीय तरंगों का वहां पर निर्माण हो जाता है। एक बार फिर से हमने क्या कहा, ये कैसे उत्पन्न होती है, ये तरंगे कैसे उत्पन्न होती है? आवेशित कणों को अधिक त्वरित करके गति करा दिया जाए तो विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या हो जाती है, वहां पर उत्पन्न हो जाती है। क्या इतनी बातें आपको समझ आई विद्युत चुंबकीय तरंगे क्या है? आप वहां से देख लीजिएगा।
फिर इनकी प्रॉपर्टी होती है, इनके कुछ गुण होते हैं। उनमें सबसे पहला गुण क्या होता है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं वो अनुप्रस्थ प्रकृति की होती हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। अब हमने अनुप्रस्थ तरंगे पहले ही बता के रखा है कि ऐसी तरंगे जो इस रूप की चले, वो इस रूप के यानी अर्थात ये मध्यमान होता है प्यारे बच्चों, ये ऊपर की अवस्था को हम कहते हैं श्रृंग और नीचे की अवस्था को हम क्या कहते हैं गर्त। तो ये क्या जानते हैं कि ये श्रृंग और गर्द के रूप में जो तरंगे चलती हैं, या हम कह दें जो तरंगे इस रूप में चलती हैं, वो अनुप्रस्थ तरंगे कहलाती हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है। और इनकी जो दूसरी प्रॉपर्टी होती है, ये तो मैंने डिफिनेशन में ही बता के रखा कि इन तरंगों की जो विद्युत क्षेत्र होती है ई और जो चुंबकीय क्षेत्र बी होता है वो संचरण की दिशा के लंबवत होता है, अर्थात अगर तरंगे इधर जा रही हैं तो विद्युत क्षेत्र इधर होगा और चुंबकीय क्षेत्र आपका ऊपर की तरफ होगा, इस प्रकार होगा प्यारे बच्चों। तो ये हो गई दूसरी प्रॉपर्टी। तीसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि निर्वात में भी चल सकती है, मतलब इसको चलने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान तक लेके जाएंगे किसी की आवश्यकता नहीं पड़ने वाली है। जैसे प्यारे बच्चों अगर आप लोग जो है, हमने कहा कि आपके घर वाले आपके पिताजी या कोई भी अगर आपसे क्या करता है पानी मांगता है भाई कि पानी लेके आओ, तो पानी को ले जाने के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता पड़ेगी, जैसे गिलास की तमाम बर्तनों की जरूरत पड़ेगी, आप पानी किसी न किसी बर्तन में ही लेके जाओगे। तो अगर किसी ने कहा कि बेटा थोड़ा सा यहां पर लाइट दिखा दो, आपके हाथ में लाइट वाला स्रोत है, लाइट वाला सोर्स है, आप क्या करोगे, वहीं से लाइट जलाते हो पूरा दिखने लगता है। तो लाइट को ले जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ रही है, और ऐसे तरंगों को हम क्या कहते हैं भैया विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं, यानी इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ती, इनको चलने की आवश्यकता नहीं पड़ती है प्यारे बच्चों, सॉरी चलने की आवश्यकता नहीं, इनको निर्वात में भी चल सकती है, अर्थात इनको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। आगे कह रहा कि ये जो तरंगे होती है ये तरंगे बड़ी गजब की होती है कि अगर इनको हम विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में लेके जाते हैं कि विच्छेपित नहीं होती, अर्थात आप ऐसे एग्जांपल समझ सकते हैं प्यारे बच्चों कि जैसे हमने कहा कि ये एक चुंबक ले लिए, चुंबक का एक पोल N हो गया और दूसरा पोल क्या हो गया S हो गया, ठीक, चुंबक का एक पोल N, चुंबक का एक पोल S। अब इनके बीच जब हम विद्युत चुंबकीय तरंगों को गुजारेंगे, जब किसी चुंबकीय, अब ये दोनों चुंबक के बीच का क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र कहलाता है भैया, हो जब किसी चुंबक के बीच या किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में विद्युत चुंबकीय तरंगों को गुजारेंगे इनमें किसी भी प्रकार का विच्छेपित नहीं होता, अर्थात इनमें इस पे चुंबकीय क्षेत्र का किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसी प्रकार विद्युत क्षेत्र का भी इस पे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो प्यारे बच्चों आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, आगे अब हम चर्चा करेंगे विस्थापन धारा की आवश्यकता क्यों पड़ी, विस्थापन धारा का व्यंजक क्या होता है और विस्थापन धारा क्या होता है, सबकी चर्चा करके जाएंगे। चलिए तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो प्यारे बच्चों आपकी नेक्स्ट टॉपिक है विस्थापन धारा। अब विस्थापन धारा क्या होता है, प्रश्न ये है कि विस्थापन धारा क्या है। एकदम आप ये समझिए कि विस्थापन धारा जब आया तो एक नई, समझ लीजिए एक नया आविष्कार हुआ। इतनी देर तक बचपन से लेके आज तक आप लोगों ने पढ़ा था कि आवेश के प्रवाह के कारण विद्युत धारा उत्पन्न होता है, बात समझ आ रही है, आवेश के प्रवाह के कारण जो धारा उत्पन्न होती है उसे हम सम्मोहन धारा कहते हैं। कौन सा धारा कहते हैं, सम्मोहन धारा कहते हैं। परंतु आज आप सीखने जा रहे हो प्यारे बच्चों कि हम आवेश को नहीं प्रवाहित करेंगे तो भी धारा उत्पन्न होगा। अब वही धारा जो होगी उस धारा को हम विस्थापन धारा कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि आखिर ये धारा कैसे उत्पन्न होती है। पहले एक बार आप परिभाषा को पढ़ लीजिएगा कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण परिपथ में उत्पन्न होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है, इसे हम आईडी से व्यक्त करते हैं। अब डिफिनीशन तो आपको इतना सरल लगा होगा कि उसकी आप जितना सरल आपको डिफिनीशन लग रहा होगा प्यारे बच्चों उससे कहीं ज्यादा इसकी जो आप चीज समझाने जा रहे हैं वो आपको सरल हो जाएगा। केवल आप देखिए हमने किया क्या कि भैया एक संधारित्र ले लेते हैं,
या हम कह दें दो ठो समांतर प्लेट ले लेते हैं, ठीक, ले लिए दो समांतर प्लेटें। अगर हम इनका नामकरण रखना चाहे तो नाम रख सकते हैं P1 और P2, ठीक। अब इनको हमने एक बैटरी से ले आके जोड़ दिए भाई, किससे जोड़ दिए, बैटरी से जोड़ दिए, ठीक। अब जब आप इसे बैटरी से जोड़ दिए और साथ में एक कुंजी लगा लिए बंद और चालू करने के लिए, चलिए, और इसको ले आए माइनस वाले से जोड़ दिए, ठीक। अब जैसे ही बैटरी के प्लस और माइनस वाले प्लेट से जोड़ोगे तो इससे प्लस आवेश निकलकर इस प्लेट पे आ जाएगा और इस प्लेट पे धनावेश उत्पन्न हो जाएगा। बात समझ में आ रहा, P1 प्लेट पे धनावेश हो जाएगा। और भैया जब आप ऋण वाला तार, बैटरी का ऋण वाला सिरा इससे जोड़ोगे तो इस पे ऋण आवेश आ जाएगा। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही होंगी, इतनी बातें आपको क्लियर हो रही है। अर्थात दो समांतर प्लेटों को हम लोगों ने किसी बैटरी बी से जोड़ दिया है, साथ में एक कुंजी लगा लिया है। अब आप समझिए, मैक्सवेल भाई साहब आए और मैक्सवेल ने देखा कि मैक्सवेल के दिमाग में ये विचार आया कहां से। उससे पहले एम्पियर ने एक नियम दिया था, एम्पियर ने बताया कि भैया रेखीय समाकलन बी इंटू डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई, इसी चीज पे कार्य हुआ था। ये एम्पियर का जो नियम था ये गलत था, इसी को संशोधित करने के लिए, इसी को संशोधित करने के लिए मैक्सवेल ने कार्य किया। और मैक्सवेल ने क्या बताया, मैक्सवेल ने देखा, मैक्सवेल ने ये देखा कि जब किसी बैटरी के द्वारा, जब किसी बैटरी के द्वारा इस संधारित्र में धारा प्रवाहित किया जा रहा था, इन दो समांतर प्लेटों में धारा प्रवाहित किया जा रहा था, तब यहां पर रखी जो कंपास हुई थी, यहां पर रखी जो कंपास हुई थी प्यारे बच्चों, उसमें विक्षेपित उत्पन्न हो रहा था तो वो विक्षेप कर रही थी। यानी कहने का मतलब है कि ओरेस्टेड ने बताया था कि जब किसी तार में धारा प्रवाहित करते हैं तो तार के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप विद्युत क्षेत्र भी उत्पन्न होता है, क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन होगा तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो इतनी बात तो एम्पियर ने बताया था, परंतु एम्पियर ने एक बात बोल के चले गए थे कि भैया इसके अंदर किसी भी प्रकार की कोई करंट फ्लो नहीं होगा, अर्थात यहां आई इक्वल टू जीरो, मतलब प्लेटों के बीच धारा का प्रवाह नहीं होगा, प्लेटों के बीच धारा प्रवाहित नहीं होगी। क्या इतनी बातें आपको समझ में, ये एम्पियर ने बताया था परंतु ये मैक्सवेल ने नहीं बताया। मैक्सवेल भाई साहब आए और उन्होंने ये बताया कि एम्पियर भैया आपका ये नियम यहां तक तो सत्य है, प्लेट के दाई प्लेट के बाई तक, यानी प्लेट के बाहर के जो नियम आपने दिया वो तो सत्य है, परंतु जब प्लेट के अंदर आप गए वहां पर आपका नियम गलत हो जाता है। एम्पियर बाबू साहब बताए थे कि प्लेटों के अंदर धारा प्रवाहित नहीं होगा, अर्थात प्लेटों के अंदर धारा शून्य है, परंतु मैक्सवेल भैया आए और मैक्सवेल ने बताया कि भाई साहब आप यहां, आपका नियम यहां तक सही है परंतु ये चीज गलत है। मैक्सवेल ने बता दिया, जब ये चीज बोले कि आपका नियम गलत है तो पूछा गया कैसे, आइए आप भी देखिए मैक्सवेल ने कैसे बताया था। अब देखिए, मैक्सवेल ने देखा कि जब हम बैटरी से करंट फ्लो कर रहे थे तो यहां पर रखी कंपास सुई विक्षेपित हो रही थी, परंतु जब यहां पर कंपास सुई रखे तो यहां पर किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं हुआ, किसी भी प्रकार का विक्षेप नहीं हुआ। परंतु परंतु प्यारे बच्चों, जैसे देखिए, इतनी देर तक ये सेल जुड़ा था, इतनी देर तक ये कुंजी जुड़ी थी, तो कुंजी से करंट प्रवाहित हो रही थी और करंट प्रवाहित होने के कारण ये कंपास हुई विक्षेपित हो रही थी, परंतु ये वाली विक्षेपित नहीं हो रही थी, क्योंकि एम्पियर ने बताया था कि इसमें धारा का प्रवाह शून्य होगा, जब धारा प्रवाहित ही नहीं होगी तो काही ये विक्षेपित होगा। परंतु मैक्सवेल ने देखा कि जैसे ही इसका कनेक्शन तोड़ दिया जाता है, अर्थात
जैसे ही धारा का प्रवाह होना बंद होता है, जैसे ही परिपथ में धारा प्रवाहित नहीं होती, वैसे ही उन्होंने देखा कि ये देखिए, ये तो यहां कंपास सुई विक्षेपित हो गई। उन्होंने देखा कि जैसे ही हमने धारा का प्रवाह बंद किया, वैसे ही यहां पर कंपास सुई अपने स्थान से हिल गई। ये देखकर वो आश्चर्य में पड़ गए। फिर उन्होंने जैसे ही इसको जोड़ा, इस कुंजी को जोड़ा, और ज्यों ही धारा प्रवाहित होना स्टार्ट हुआ, त्यों ये कुंजी, ये जो चुंबकीय सुई थी, फिर से विक्षेपित हो गई, फिर से अपने स्थान से हिल गई। फिर उन्होंने इसको कनेक्शन तोड़ दिया, फिर देखा कि कंपास सुई हिल गई, फिर जोड़ दिया, फिर कंपास सुई हिल गई। यानी उनके दिमाग में ये विचार आ गया कि अगर हम किसी भी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो विद्युत धारा है, या हम कह दें कि जो विद्युत क्षेत्र है, अगर हम उसको परिवर्तित करेंगे तो प्लेटों के बीच भी एक धारा उत्पन्न होती है, जिसे हम विस्थापन धारा का नाम देते हैं। क्या अब इतनी बातें आपकी क्लियर हुई प्यारे बच्चों? यही चीज लिखी गई है कि विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण परिपथ में उत्पन्न होने वाली धारा विस्थापन धारा कहलाती है। कौन कहा था? मैक्सवेल ने बताया था। किसने बताया भैया? मैक्सवेल ने। बात समझ में आई? एक बार आप इतना यह समझिएगा कि परिपथ में ज्यों ही धारा चालू की जाती थी, तब ये विक्षेपित हो जाती थी तो धारा स्टार्टिंग होती थी, और जैसे ही परिपथ की धारा बंद कर दी जाती थी, धारा शून्य हो जाती थी, धारा बदल गई ना, पहले शून्य था अब बदल गया। तो बदलने के कारण, किसके? विद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण, विद्युत क्षेत्र के बदलने के कारण इसमें एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। आई होप कि आप विस्थापन धारा समझ गए होंगे। पूल कहीं भी अगर डाउट हो प्यारे बच्चों, कमेंट सेक्शन में आप प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा। अब नेक्स्ट टॉपिक हम चर्चा करेंगे विस्थापन धारा की व्यंजक, विस्थापन धारा के लिए सूत्र की उत्पत्ति करेंगे प्यारे बच्चों। चलिए अब हम नेक्स्ट टॉपिक चर्चा करते हैं, विस्थापन धारा की सूत्र। तो गाइस, हम लोगों ने समझ लिया कि विस्थापन धारा उत्पन्न कैसे होती है। अब विस्थापन धारा के लिए, या हम कह दें कि विस्थापन धारा को समझने के लिए मैक्सवेल ने जो नियम दिए थे, मैक्सवेल ने जो दो समीकरण बताया था एम्पियर के नियम के मदद से, अब हम उनकी चर्चा करेंगे, साथ साथ विस्थापन धारा की व्यंजक का फार्मूला उत्पन्न करेंगे, अर्थात उसके लिए हम लोग व्यंजक प्राप्त करेंगे प्यारे बच्चों। तो उसके लिए थोड़ी सी हम आपको एक बातें और बताना चाहते हैं कि जब आपने पढ़ा कि इसे आईडी से व्यक्त करते हैं, तो विस्थापन धारा आईडी का जो व्यंजक होता है वो होता है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होता है प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता होता है, और डी फाई ई बटे डी टी जो होता है वो समय के साथ विद्युत फ्लक्स में परिवर्तन है, इसी के कारण तो उत्पन्न हो रहा था। अब हम इसी को समझने के लिए भैया मैक्सवेल एम्पियर के नियम समझते हैं। मैक्सवेल एम्पियर ने, जब एम्पियर ने बताया कि किसी बंद पथ से होकर गुजरने वाली जो धारा है, या किसी बंद पथ में जब धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसके चारों तरफ एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, और वो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन उसमें बहने वाली धारा आई का म्यू नॉट गुना होता है। ये चीज किसने बताया था? ये चीज एम्पियर ने बताया था, परंतु मैक्सवेल भैया आए और बता दिए कि भाई साहब आपका नियम गलत है, आप बच्चों को गलत ना बताइए। तो एम्पियर ने पूछा, भैया मेरा नियम क्या गलत है। तो इससे पिछले अभी जब हम चर्चा कर रहे थे तो बताए थे क्या गलत था। तो एम्पियर मैक्सवेल ने बताया कि भैया यहां आपने कहा कि धारा उत्पन्न हो रही है, प्लेट के बाहर धारा उत्पन्न हो रही, परंतु प्लेट के अंदर धारा उत्पन्न नहीं हो रही। मैक्सवेल ने कहा कि यहां पर भी धारा उत्पन्न होती है, और कैसे उत्पन्न होती है अभी कुछ मिनट पहले हम लोगों ने चर्चा किया था। अब उसी को हम लोग गणितीय रूप में लिखेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं प्यारे बच्चों एम्पियर का नियम क्या होता है। एम्पियर के नियम से अगर हम चर्चा करें एम्पियर का नियम क्या होता है, तो हमने पढ़ा के रखा है प्यारे बच्चों, समाकलन बी इंटू डीएल इक्वल टू होता है म्यू नॉट आई, ये चीज। अब इन्हीं की मदद से हम लूप एस वन की चर्च के लिए निकालेंगे चुंबकीय क्षेत्र, और लूप एस टू के लिए। तो चलिए, तो लूप एस वन की बात करते हैं। लूप एस वन के लिए
तो प्यारे बच्चों लूप S1 के लिए, तो लूप S1 में मान लेते हैं, माना माना कुछ चीजें हैं जो कि लिखना पड़ेगा। तो एक मिनट हम इसकी थोड़ी देर के लिए मूव कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं, माना माना समांतर प्लेट संधारित P1 और P2 है, माना समांतर प्लेट संधारित P1 हुआ क्या है भैया, P2 है, P1 हुआ P2 है। इतनी बात समझ में आई? ठीक भैया, इतनी बात समझ आ रही? P1 के दाई ओर, P1 के दाई ओर, दाई ओर लूप S1 S2 है, दाई ओर लूप S2 तथा बाई ओर, तथा बाई ओर लूप S1 की कल्पना करते हैं। S1 की क्या करते हैं? कल्पना करते हैं, कल्पना करते हैं। ठीक, अब लूप S1 के लिए, लूप S1 के लिए, लूप S1 के लिए अवधारा की वैल्यू निकालेंगे तो रेखी समाकलन बी इंटू डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई इंटू आई इंटू क्या लगा देते हैं, टी इंटू टी, यानी म्यू नॉट आई इंटू टी इसलिए लगाया प्यारे बच्चों क्योंकि जो धारा आई है वो टी समय तक के लिए प्रवाहित हुआ है, तो टी समय तक के लिए आई धारा प्रवाहित होने के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा लूप S1 में वो इतना होगा इसके बराबर। इतनी बात समझ में आ रही? अब हम लूप S2 की बात करेंगे। किसके लिए भैया? लूप S2 के लिए, लूप S2 के लिए चर्चा करेंगे। अब लूप S2 के लिए क्या था प्यारे बच्चों? रेखीय समाकलन बी इंटू डीएल इक्वल टू, रेखीय समाकलन बी इंटू डीएल इक्वल टू। तो लूप S2 के लिए भैया एम्पियर भैया ने क्या बता दिया था कि S2 में धारा ही नहीं प्रवाहित होगा, S2 में धारा ही नहीं प्रवाहित होगा तो वहां चुंबकीय क्षेत्र ही उत्पन्न नहीं होगा। तो लूप S2 के लिए उन्होंने क्या बता दिया, एम्पियर ने क्या बता दिया प्यारे बच्चों? जीरो बता दिए। एम्पियर ने क्या बता दिया? जीरो। यानी लूप S1 के लिए एम्पियर का नियम ये है, लूप S2 के लिए एम्पियर का नियम ये है, क्योंकि धारा ही नहीं प्रवाहित होगा तो काहे का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा। तब मैक्सवेल ने वहां बताया, तब मैक्सवेल ने एम्पियर भैया को बताए कि यहां पर भी चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, परंतु आपने वो धारा को लिया जो इलेक्ट्रॉन के चलने के कारण उत्पन्न होता है, जिसे सम्मोहन धारा कहते हैं। आपने वो धारा नहीं लिया जो विद्युत क्षेत्र के परिवर्तन के कारण उत्पन्न होता है, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं, जो कि हम ऊपर ही चर्चा कर चुके हैं प्यारे बच्चों। मैक्सवेल ने क्या बताया एम्पियर भैया को कि आपने वो धारा लिया जो धारा आवेशों के चलने के कारण उत्पन्न होता है, जिसे आप सम्मोहन धारा कहते हैं। तो आपने ये पाया लूप S1 में सम्मोहन धारा प्रवाहित हो रही थी, परंतु आपने उस धारा को लिया ही नहीं जो धारा S2 के लिए होता था, जिसे आप विस्थापन धारा कहते हैं। वहां विद्युत क्षेत्र का परिवर्तन होता है। विद्युत क्षेत्र का क्या होता है प्यारे बच्चों? परिवर्तन होता है। तो यहां लगातार विद्युत क्षेत्र परिवर्तन होगा, जिसके कारण ये विद्युत बल रेखाएं लगातार लूप S2 से होकर गुजरती रहेंगी और बदलती रहेंगी प्यारे बच्चों। तो अब यहीं से विस्थापन धारा की जरूरत पड़ गई, जो कि सारा चीज अब हम लोग पहले ही बात कर लिए हैं। अब हम चर्चा करेंगे विस्थापन धारा के व्यंजक। चलिए, तो अब हम विस्थापन धारा के व्यंजक की उत्पत्ति कर रहे हैं। तो प्यारे बच्चों मानते हैं, माना किसी क्षण टी समय में, किसी क्षण टी समय में, टी समय में DQ आवेश प्रवाहित होने पर, DQ आवेश प्रवाहित होने पर प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र E इक्वल टू प्लेटों के बीच उत्पन्न विद्युत क्षेत्र, आपने पढ़ा था प्यारे बच्चों, E इक्वल टू होता है सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट।
हमने ये चीज पढ़ाया है गॉस के नियम से। गॉस ने बता दिया है कि भाई किसी भी दो समांतर प्लेटों के बीच उत्पन्न जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो सिग्मा बटे एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ये किसने बताया था? गॉस बाबा ने बताया। किसने बताया भाई? गॉस ने बताया था। पहले चैप्टर में हमने चर्चा की है, ठीक। अब इतनी बात समझ में आई। हम ये भी जानते हैं प्यारे बच्चों, जो सिग्मा होता है वो सिग्मा पृष्ठी आवेश घनत्व कहलाता है, जो कि क्यू अपान ए के बराबर होता है। क्या ये वैल्यू यहां रख दें तो ई के स्थान पे आ जाएगा क्यू, क्यू बटे ए एप्सिलॉन नॉट। क्या क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया जाए प्यारे बच्चों? तो बिल्कुल क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्यू बराबर आ जाएगा ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट, ई इंटू ए इंटू एप्सिलॉन नॉट। और भैया हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है ई इंटू ए जब थीटा आपका क्या हो 180 हो। तो ई ए के स्थान पे फाई रख सकते हैं, सॉरी थीटा 180 नहीं, शून्य होना चाहिए, ठीक। तो जब हम क्या करते हैं यहां ई ए, तो ई ए के स्थान पे फाई ई रख सकते हैं प्यारे बच्चों, तो हमारा जो व्यंजक मिलेगा वो क्या मिल जाएगा? डी सॉरी क्यू है ना, तो क्या मिल जाएगा? क्यू बराबर इस ईए के स्थान पे फाई ई रखा जा सकता है प्यारे बच्चों, और इनटू क्या हो जाएगा? एप्सिलॉन नॉट। दोनों पक्षों का टी के सापेक्ष अवकलन करने पर, टी के सापेक्ष क्या कर देंगे? अवकलन करने पर। तो प्यारे बच्चों जैसे ही टी के सापेक्ष अवकलन करोगे तो डी डी टी क्यू हो जाएगा बराबर, यहां से एप्सिलॉन नॉट बाहर हो जाएगा और हो जाएगा डी बट डी डी टी फाई ई हो जाएगा। बात समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? अब ये जो डी अपान डी टी डी क्यू है ये आवेश के परिवर्तन के कारण, और प्यारे बच्चों आवेश के परिवर्तन के कारण प्राप्त धारा को ही हम कहते हैं विस्थापन धारा, जिसे हम आई डी से व्यक्त करते हैं। तो ये किसके बराबर हो जाएगा? आई डी के बराबर, इक्वल टू हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे डी टी। ये आ जाएगा व्यंजक किसका प्यारे बच्चों? विस्थापन धारा का। किसका आ जाएगा? विस्थापन धारा का व्यंजक प्राप्त हो गया। क्या इतनी बातें आपको समझ में आई प्यारे बच्चों? ये एम्पियर के दो एम्पियर के नियम के अनुसार हमने चुंबकीय क्षेत्र S1 S2 की बात किया था, और वो रहा विस्थापन धारा का व्यंजक। अब प्यारे बच्चों विस्थापन धारा जब प्राप्त हो गई, तो विस्थापन धारा प्राप्त होने के बाद किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद परिपथ के लिए मैक्सवेल ने जो क्या दिया समीकरण, वो हम देख लेते हैं थोड़ी देर के लिए बस। यानी किसी बंद लूप के लिए, किसी बंद पथ के लिए मैक्सवेल के समीकरण क्या थे वो हम देखते हैं जब विस्थापन धारा का खोज हो चुका था। आइए हम देख लेते हैं प्यारे बच्चों लूप S1 और S2 के लिए, जिसे यहां एम्पियर के नियम को देखा गया, अब वैसे हम देखेंगे मैक्सवेल का समीकरण क्या होता। तो आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा, फिर हम उसको थोड़ा सा समझते हैं। तो प्यारे बच्चों अभी आपने जितना चीज इस क्लास में पढ़ा उनसे आपका रिजल्ट क्या निकला? भाई विस्थापन धारा की खोज हो गई, विस्थापन धारा की उत्पत्ति हो गई, एम्पियर के नियम गलत साबित हो गए, आपने विस्थापन धारा का व्यंजक प्राप्त कर लिया। अब मैक्सवेल ने जब विस्थापन धारा की खोज की तो किसी बंद परिपथ के लिए, किसी बंद पथ के लिए जो धारा प्रवाहित करते हैं और चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसके वो दो कारण बता दिए कि भैया किसी बंद परिपथ में धारा प्रवाहित करने के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये एम्पियर ओरेस्टेड ने बताया था, और वो कितना उत्पन्न होता है वो बहने वाली धारा के म्यू नॉट गुना होता है, ये एम्पियर बाबा ने बताया था। परंतु मैक्सवेल ने क्या बताया? मैक्सवेल ने बताया एम्पियर भैया का नियम गलत है। अब क्या गलत है वो चीज बताया कि किसी बंद परिपथ में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र केवल संयोजी तार, अर्थात केवल इसमें जो बहने वाली धारा होती है उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता, परंतु वो दो चीजों पर निर्भर करता है। एक संयोजी तार में बहने वाली धारा आईसी, जिसे हम सम्मोहन धारा कहते हैं, उस पर निर्भर करता है। साथ साथ में संधारित की प्लेटों के बीच
जो विद्युत क्षेत्र परिवर्तन होता है उसके कारण जो धारा उत्पन्न होती है जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो अब जो एम्पियर और मैक्सवेल का समीकरण होता है और रेखीय समाकलन B इंटू डीएल इक्वल टू म्यू नॉट आई सी प्लस आई डी यानी सम्मोहन धारा और विस्थापन धारा के योग का म्यू नॉट गुना होता है। अब यहां से अगर हम आई डी की वैल्यू रखना चाहें प्यारे बच्चों तो रख सकते हैं, आई डी की वैल्यू आपने निकाला है एप्सिलॉन नॉट डी फाई ई बटे क्या आ जाएगा डीटी। तो ये हो गया आपका प्यारा सा जो मैक्सवेल और किन का भी है, मैक्सवेल और एम्पियर का जो समीकरण था वो आपका मिल गया, ये आ गया। इस प्रकार आज की क्लास यहाँ पर क्या होती है प्यारे बच्चों, समाप्त होती है। और आज के अध्याय का नाम जो है वो है वैद्युत चुंबकीय तरंग, अर्थात हम लोग वैद्युत चुंबकीय तरंग का जो फर्स्ट लेक्चर है वो हम लोग आप लोगों ने देख लिया होगा। यदि नहीं देखा है तो उस वीडियो को जाके आप तुरंत देखिए प्यारे बच्चों, क्योंकि वहां पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की चर्चा की गई है अर्थात विस्थापन धारा के बारे में वहां बताया गया है। तो आज हम चर्चा करेंगे, आप देख ही लिए होंगे कि आज हम किस टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं, मैक्सवेल के समीकरणों की चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों। और एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि मैक्सवेल के समीकरण की व्याख्या कीजिए, और जब भी एग्जाम में पूछता है प्यारे बच्चों तो काफी हाईएस्ट नंबर आपको देके जाता है। तो आज हम मैक्सवेल के समीकरण की चर्चा करने वाले एकदम सरल और आसान भाषा में। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नया आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आता तो वीडियो को लाइक करके दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। चलिए लेक्चर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहली बात हम आपको बता देना चाहते हैं कि जो मैक्सवेल भाई साहब थे ना वो एक्चुअल में अपना समीकरण दिए ही नहीं थे। जितना आपने पहले अध्याय से लेकर आज सातवें अध्याय तक जिन वैज्ञानिकों का नाम पढ़ा, जैसे पहले में गॉस को पढ़ लिए, दूसरे में किसको पढ़ लिए भाई, अब फैराडे मिल गए होंगे, फिर उसके बाद आपको कौन मिला, फैराडे से विद्युत वाहक बल प्राप्त किए थे ना, फिर तीसरे में उसके बाद आपको एम्पियर मिल गए। तो इन तमाम लोगों का मिला के ये अपना समीकरण दिए थे, उन्हीं के समीकरणों को लेकर ये अपना नाम दे दिए कि भाई हम आपसे इजाजत लेके हम आपके समीकरण को संशोधित करके हम आपको दे रहे हैं। अब जो मैक्सवेल के समीकरण होता है, बच्चों का प्रश्न होता है सर मैक्सवेल के समीकरण किसे कहते हैं, क्वेश्चन ये उठता है मैक्सवेल का समीकरण किसे कहते हैं। तो भैया वे समीकरण या ऐसे समीकरण जो विद्युत तथा चुंबकत्व, किसी भी पदार्थ के विद्युत तथा चुंबकत्व के गुणों का के प्रभावों का व्याख्या कर सके वो क्या कहलाते हैं प्यारे बच्चों, वो क्या कहलाते हैं, मैक्सवेल के समीकरण कहलाते हैं, जो निम्नलिखित रूप से है, मतलब हम कह सकते हैं जो कि चार प्रकार के होते हैं। आज हम उन चारों समीकरण की व्याख्या करेंगे और चारों समीकरण को समझेंगे। ठीक, मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, मैक्सवेल का प्यारे बच्चों जो प्रथम समीकरण है वो गॉस के नियम पर आधारित है। पहला इनका समीकरण गॉस के नियम पर आधारित है। अब गॉस का नियम आपने अध्याय नंबर 2 में पढ़ा है कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होता है, किसी भी बंद पृष्ठ से, जैसे आपने ये क्या ले लिया कि ये कोई बंद पृष्ठ ले लिए, ठीक, अब इस पृष्ठ के अंदर कोई आवेश रख दिए, अब इस आवेश से भैया विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी बाहर की तरफ, विद्युत बल रेखाएं निकलेंगी, तो विद्युत बल रेखाओं की संख्या ही ये मान लेते हैं ये कोई एकांक पृष्ठ है, ठीक, ये कोई एकांक पृष्ठ है। तो इस पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत बल रेखाएं होंगी वो वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ये तो सारा डिटेल हम लोगों ने पढ़ा है। तो भैया मैक्सवेल का जो प्रथम समीकरण था वो बता रहे हैं कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो वैद्युत फ्लक्स होती है या होकर गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या अर्थात ई, विद्युत बल रेखाओं की संख्या ई, उस पृष्ठ से घिरे कुल आवेश का 1/ε गुना होता है। यही चीज गॉस ने भी बताया था और यही मैक्सवेल का प्रथम समीकरण है। तो मैक्सवेल का प्रथम समीकरण क्या है प्यारे बच्चों, किसी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स वैद्युत फ्लक्स
उस पृष्ठ से घिरे हुए कुल आवेश क्यू का 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है, 1/ε गुना होता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चों? क्या इतनी बातें आपने पहले क्लास में पढ़ भी लिया है? क्यू का 1/ε गुना होता है, अर्थात अगर इसको हम गणितीय रूप में लिखना चाहे तो प्यारे बच्चों वैद्युत फ्लक्स को हम फाई ई से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं? फाई ई से व्यक्त करते हैं। इक्वल टू होगा कुल आवेश कितना है, क्यू का एप्सिलॉन गुना होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में भी लिख सकते हैं, फाई ई को हम लिखते हैं E into dA, और ये बंद पृष्ठ का समाकलन, ये बंद पृष्ठ का समाकलन मतलब किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की कुल संख्या। इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q/ क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। ये है मैक्सवेल का प्यारे बच्चों प्रथम समीकरण, ये है मैक्सवेल का प्रथम समीकरण, जो कि आपके क्या कह लिया जाए, जो कि आपके गॉस के नियम से पूर्ण रूप से रिलेटेड है, गॉस के नियम से पूर्ण रूप से मिल रहा है। तो ये रहा प्यारे बच्चों मैक्सवेल का प्रथम समीकरण। अब इसकी खास बात क्या होता है कि जो यह समीकरण होता है यह स्थिर आवेश के लिए भी होता है और गतिमान आवेश के लिए भी होता है। तो ये पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, क्या कि यह समीकरण स्थिर आवेश के लिए भी लागू होता है और गतिमान, तो स्थिर व गतिमान आवेश के लिए होता है, दोनों आवेश के लिए होता। अब हम चर्चा करेंगे प्यारे बच्चों मैक्सवेल का दूसरा समीकरण। किसका चर्चा करेंगे? मैक्सवेल का दूसरा समीकरण। तो चलिए अब दूसरी टॉपिक हम बनाते हैं। मैं प्यारे बच्चों ये विद्युत फ्लक्स के लिए हो गया, ये किसके लिए हो गया, विद्युत फ्लक्स अर्थात विद्युत बल रेखाओं के लिए गॉस का प्रमेय हो गया। अब अगर हम मान लें कि उस बंद पृष्ठ के अंदर आवेश न रखकर एक चुंबक रख दिया जाए तो क्या गॉस का नियम हमने ऐसा पढ़ा था? जी बिल्कुल प्यारे बच्चों, आपने चौथे अध्याय में पढ़ा है गॉस का नियम, आपने वहां पर पढ़ा है कि चुंबकीय बल रेखाओं के लिए गॉस का प्रमेय क्या होता है। तो वही मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण होने वाला, जो गॉस ने चुंबकीय बल रेखाओं के लिए प्रमेय दिया है प्यारे बच्चों, वो मैक्सवेल का द्वितीय समीकरण है। अब आइए हम उसके बारे में चर्चा करते हैं। जैसे हमने कहा कि ये कोई बंद पृष्ठ है और इस बंद पृष्ठ के अंदर इस बार आवेश भैया नहीं है, कौन है, आवेश नहीं है, कोई एक चुंबक है जिसमें दो ठो ध्रुव होता है, एनओएस, एनओएस अर्थात चुंबकीय ध्रुव दो ठो। अब ध्यान से देखिएगा, गॉस ने इनके लिए क्या नियम बताया था जानते हैं? कि किसी बंद पृष्ठ से, किसी भी बंद पृष्ठ, ये बंद पृष्ठ दिखाई पड़ रहा है ना, किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स होता है भैया, होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स होता है ना, वो शून्य होती है। कितनी होती है? शून्य होती है। और यहां उन्होंने क्या बताया था कि जो वैद्युत फ्लक्स होता है वो Q/ε का गुना होता है, और वहां पर क्या बता रहे हैं, जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो शून्य होता है। आखिर कैसे होता है भैया, क्यों होता है शून्य, क्यों होता है शून्य, वहां तो भी चुंबकीय बल रेखाएं निकल रही। आइए हम इनको समझते हैं। जैसे मैंने क्या कहा कि अगर उत्तरी ध्रुव से चुंबकीय बल रेखाएं इसमें प्रवेश कर रही हैं, 1, 2, 3, तीन चुंबकीय बल रेखाएं प्रवेश कर रही हैं प्यारे बच्चों, और इनसे तीन ठो चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं। तो हम एक बात आपको बता दें, अब देखिए अगर जितनी इस पृष्ठ से जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर की तरफ निकल रही हैं, उतनी चुंबकीय बल रेखाएं इसमें अंदर की तरफ क्या कर जा रही हैं, प्रवेश कर जा रही हैं, अर्थात निकलने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या बराबर प्रवेश करने वाले चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या। इसीलिए उस बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाला जो चुंबकीय फ्लक्स है वो क्या हो जा रहा, शून्य हो जा रहा, क्योंकि जितनी चुंबकीय बल रेखाएं बाहर निकल रही हैं उतनी चुंबकीय बल रेखाएं अंदर की तरफ प्रवेश कर जा रही है भैया,
इसीलिए उस बंद पृष्ठ से चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या क्या हो जाएगी, शून्य हो जाएगी और चुंबकीय फ्लक्स भी शून्य हो जाएगा। तो गॉस ने यही चीज बताया था, गॉस ने चुंबकीय बल रेखाओं के लिए अपना नियम क्या दिया था कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स होता है वो शून्य के बराबर होता है। और यही मैक्सवेल का दूसरा समीकरण था। क्या इस बात को लिख लिया जाए प्यारे बच्चों, क्या आपको ये बात समझ में आ रही है? चलिए इसको लिख लेते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये हमने यहां पर मैक्सवेल के द्वितीय समीकरण को लिख दिया कि किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स होती है फाई बी, वो शून्य के बराबर होता है। यही मैक्सवेल का दूसरा समीकरण है। अब इसको हम लिख सकते हैं फाई बी इक्वल टू जीरो, फाई बी इक्वल टू जीरो। अब जिस प्रकार फाई ई इक्वल टू ई इंटू डी ए था प्यारे बच्चों, उस प्रकार फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू डी ए, अर्थात बी इंटू डी ए और बंद पृष्ठ का समाकलन इक्वल टू जीरो। और प्यारे बच्चों, ये मैक्सवेल का प्रथम समीकरण था और ये मैक्सवेल का क्या है, दूसरा वाला समीकरण है। अर्थात किसी भी बंद पृष्ठ से होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स होती है, चुंबकीय बल रेखाएं होती हैं, वो सदैव शून्य होती है। क्यों प्यारे बच्चों? क्योंकि जितनी अंदर प्रवेश करती है उतनी बाहर की तरफ निकल जाती है, इसलिए कोई वहां पर परिवर्तन नहीं होता और चुंबकीय फ्लक्स क्या हो जाता है, शून्य हो जाता है। तो ये हो गया, यह मैक्सवेल का क्या है प्यारे बच्चों, ये मैक्सवेल का दूसरा वाला समीकरण है। अब हम चर्चा करेंगे तीसरे समीकरण का। अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली ना, अब हम आगे चर्चा कर रहे हैं मैक्सवेल के तीसरे वाले समीकरण को। तो प्यारे बच्चों, जो फैराडे का जो द्वितीय नियम है, फैराडे का द्वितीय नियम क्या है कि किसी भी बंद परिपथ से अगर होकर गुजरने वाली जो चुंबकीय फ्लक्स होता है उसमें परिवर्तन किया जाए, तो परिपथ में एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। तो वहीं से हम शुरुआत कर रहे हैं मैक्सवेल के तृतीय समीकरण को। तो फैराडे के द्वितीय नियम से जो प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न होता है E इक्वल टू, वो किसके बराबर होता है पहले बच्चे जानते हैं, माइनस डी डी टी फाई बी। क्या होता है? फाई बी। अब हम जानते हैं फाई बी वहां क्या है, फाई बी वहां चुंबकीय फ्लक्स है, डी डी टी और फाई बी। तो क्या है वहां फाई बी, क्या है पहले बच्चों, चुंबकीय फ्लक्स। तो अगर हम चुंबकीय फ्लक्स की बात करें तो किसी पृष्ठ से निर्गत कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, निर्गत विद्युत फ्लक्स। तो अगर हम निर्गत विद्युत फ्लक्स की बात करें तो उसका व्यंजक क्या होगा, तो उसका फाई बी क्या हो जाएगा, फाई बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, बी इंटू डी ए। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी इंटू डी ए और इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ, यानी जिस बंद पृष्ठ की आप बात कर रहे हैं उस बंद पृष्ठ का समाकलन b इंटू डी ए, उसका क्या होगा, वैद्युत फ्लक्स होगा। क्योंकि वैद्युत फ्लक्स का व्यंजक हम लोग जानते हैं फाई बी इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों b इंटू डी ए। क्या होता है? b इंटू डी ए होता है। परंतु अब किसी बंद पृष्ठ की उस बंद पृष्ठ का समाकलन कर देते हैं तो हमको कुल वैद्युत फ्लक्स मिल जाएगा। तो किसी भी बंद पृष्ठ या किसी भी पृष्ठ से निर्गत जो विद्युत फ्लक्स होगा वो समाकलन पृष्ठ का बराबर समाकलन उस बंद पृष्ठ का b इंटू डी। इतनी बात समझ आ। अब ये फाई बी की वैल्यू यहां पर उठा के रख दीजिए आप प्यारे बच्चों, तो रखिए क्या हो जाएगा, तो अब क्या हो जाएगा, अब प्रेरित विद्युत वाहक बल क्या होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल कुल प्रेरित की बात कर लिया जाए प्यारे बच्चों, कुल प्रेरित विद्युत वाहक बल e इक्वल टू, अब फाई बी के स्थान पर हम यहां रख देंगे, फाई बी के स्थान पर हम यहां पर रखेंगे प्यारे बच्चों, तो डी अपान डी टी को भी तक बाहर रखते हैं और इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू क्या कर दिए, डी ए। अगर हम माइनस डी अपान डी टी का अंदर गुणा कर दिए तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ डी डी टी बी इंटू क्या हो जाएगा, डी ए। क्या इतनी बात आपको समझ में आई प्यारे बच्चों, तो हम बना लेते हैं समीकरण नंबर दो, बना चुके हैं ये तीन बना लेते हैं। अब यदि यदि प्लेटों के बीच या यदि परिपथ में, यदि परिपथ की बात हो रही ना, तो यदि परिपथ में लगा विद्युत क्षेत्र E हो या उत्पन्न विद्युत क्षेत्र क्या हो, E हो, यदि परिपथ में उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र E हो तो विद्युत वाहक बल,
तो जो विद्युत वाहक बल होगा, तो विद्युत वाहक बल ई बराबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, ई बराबर क्या हो जाएगा, ई इंटू डीएल, ई इंटू क्या हो जाएगा, डीएल, ई इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी एल हो जाएगा। क्या इतनी बात समझ में आ रहा है? जब जब परिपथ में विद्युत क्षेत्र ई की उपस्थिति हो, तो उस समय जो विद्युत वाहक बल होगा वो ई इंटू डी एल हो जाएगा। अगर हम किसी बंद पृष्ठ की बात कर रहे हैं, तो उस बंद पृष्ठ का क्या कर देते हैं, रेखीय समाकलन। किसी भी बंद पृष्ठ से अगर उत्पन्न जो विद्युत क्षेत्र उस समय अगर ई रहेगा, तो उस समय विद्युत वाहक बल ई इक्वल टू हो जाएगा बंद पृष्ठ का समाकलन ई इंटू डी एल। अब ये बना लेते हैं भैया समीकरण नंबर 4। अगर समीकरण 3 और 4 को देख पा रहे हैं, तो एक पक्ष बराबर है, तो ये वाला पक्ष भी बराबर होगा। तो समीकरण 3 व 4 से क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन ऑफ ई इंटू डी एल इक्वल टू माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डी अपॉन डी डी टी बी इंटू क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, डी ए, बी इंटू क्या हो जाएगा, डी ए। तो ये चीज आ गया, ये है मैक्सवेल का आपका तीसरा वाला समीकरण, ये है मैक्सवेल का तीसरा समीकरण। कुछ भी नहीं है प्यारे बच्चों, कितना सरल है। देखिए विद्युत वाहक बल से स्टार्ट किए, फाइव बी की वैल्यू उठा के वहां पर रख दी, तो आपको ये चीज मिल गया। अब हम क्या कर रहे हैं कि यदि परिपथ में मान लेते हैं जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ वो ई हो, तो उस समय जो विद्युत वाहक बल होगा वो ई इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ बंद पृष्ठ ई इंटू डीएल। अब समीकरण 3 और 4 की कंपेयर करके ये मैक्सवेल का हम लोगों ने तृतीय वाला समीकरण प्राप्त कर लिया। अब प्यारे बच्चों देखिए, मैक्सवेल का जो तृतीय समीकरण है वो आपको क्या बता रहा है, वो आपको दो क्या गजब की चीजें बता रही भाई। ये देखिए, डी अपॉन डी टी बी इंटू डी ए, बी इंटू डी ए क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, यानी चुंबकीय क्षेत्र मान ले रहे हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण अगर चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाता है, तो विद्युत क्षेत्र की उत्पत्ति हो जाती है प्यारे बच्चों। तो मैक्सवेल का तीसरा समीकरण क्या बताता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन किया जाए, तो वहां विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। तो मैक्सवेल का तीसरा समीकरण यह बताता है। तो ये चीज यहां पर लिख लीजिएगा प्यारे बच्चों, ये हम यहां लिख दे रहे हैं वो जो पॉइंट है, यह मैक्सवेल का तीसरा जो समीकरण है, यह बताता है कि परिवर्तनशील, क्या प्यारे बच्चों, परिवर्तनशील चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र का निर्माण करती है, का निर्माण करती है, का निर्माण करती है। यह है प्यारे बच्चों मैक्सवेल का तृतीय समीकरण। इसको हम अलग कर दे रहे हैं भाई, इसको हमने ये पॉइंट लिख दिया, ठीक। ये है मैक्सवेल का तृतीय समीकरण, ये प्रथम, ये द्वितीय, ठीक। अब एक समीकरण और बचा प्यारे बच्चों, मैक्सवेल का चौथा समीकरण, और जो कि आपके एग्जाम में पूछेगा कि मैक्सवेल के समीकरण से आप क्या समझते हैं, तो आपको इन चारों समीकरण को लिखना पड़ेगा प्यारे बच्चों। पहला, दूसरा, तीसरा, सब कुछ आपने पहले दूसरे तीसरे चैप्टर में पढ़ा, मतलब मिला जुला कि आपने जितना उधर वैज्ञानिकों के नियम पढ़े थे उन सभी नियम को मैक्सवेल ने एक कर दिया था बस। तो प्यारे बच्चों अब हम बात करते हैं मैक्सवेल के चतुर्थ समीकरण का, चौथे समीकरण का। अब चौथा समीकरण हम इधर चर्चा कर ले, प्रथम द्वितीय और तृतीय उधर चर्चा कर लिए प्यारे बच्चों, ठीक। तो आपको मैक्सवेल का जो चौथा समीकरण है वो क्या है, ध्यान से समझिएगा। आपने इससे पहले वाले क्लास में पढ़ा था विस्थापन धारा, याद आ रहा कुछ, वही जो व्यंजक आपने वहां प्राप्त किया था वही तो मैक्सवेल का चौथा वाला समीकरण में बहुत काम देगा प्यारे बच्चों। अब मैक्सवेल ने चौथे वाले में क्या बताया जानते हैं, कि यदि किसी परिपथ में ऐसा कोई घटक उपलब्ध हो, ऐसा कोई पदार्थ उपलब्ध हो जिसके कारण धारा में परिवर्तन हो, तो धारा में परिवर्तन के कारण वहां पर एक धारा उत्पन्न हो जाती है, जिसे हम विस्थापन धारा कहते हैं। क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। तो उस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र का समाकलन होता है, उस स्थिति में जो चुंबकीय क्षेत्र की वैल्यू होती है, वो उन दोनों धाराओं के योग के म्यू नॉट गुना होता है। क्या इतनी बात आप मान रहे हैं प्यारे बच्चों, ये चीज हम यहां पर लिख रहे हैं, ये चीज हम यहां पर लिख दे रहे हैं। क्या बताया, कि यदि यदि परिपथ में
एक ऐसा पदार्थ या एक ऐसा अवयव उपस्थित हो, एक ऐसा अवयव उपस्थित हो जिसके कारण धारा में क्या हो प्यारे बच्चों, परिवर्तन हो। धारा में परिवर्तन हो तब वहां विस्थापन धारा उत्पन्न हो जाता वहां विस्थापन धारा उत्पन्न हो जाता है, उत्पन्न होता है। तब जो चुंबकीय क्षेत्र होगा B इंटू डीएल, तब जो प्यारे बच्चों B इंटू डीएल होगा वो किसके बराबर होगा, म्यू नॉट और आईसी। मतलब प्यारे बच्चों जो धारा बहती है वो जो इलेक्ट्रॉनों के कारण उत्पन्न होती है वो, और जो धारा परिवर्तन के कारण उत्पन्न होती है उन दोनों के योग के म्यू नॉट गुना होगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गए म्यू नॉट, ये हो गई आईसी, इनका गुणा यहां कर दें तो म्यू नॉट आईडी हो जाएगा। हम आईडी की वैल्यू यहां जानते हैं प्यारे बच्चों, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में इसकी वैल्यू निकाला है, क्या आ जाएगा बताइए, म्यू नॉट, इसका हम लोगों ने पढ़ा एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन ऑफ डी फाई ई अपॉन डी टी, यही तो हम लोगों ने पढ़ा प्यारे बच्चों, इंटीग्रेशन बी इंटू डी एल, बी इंटू क्या हो जाएगा डी एल, यानी मिला जुला के मैक्सवेल का चौथा समीकरण क्या बताता है, सोचिए जरा सा, मैक्सवेल का तृतीय समीकरण बताया कि चुंबकीय क्षेत्र में परिवर्तन के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है, और यहां देखिए यहां क्या बता रहा है, मैक्सवेल का जो चौथा वाला समीकरण है वो बता रहा है कि विद्युत क्षेत्र में अगर आप परिवर्तन करोगे डी फाई अपान डी टी, विद्युत क्षेत्र में परिवर्तन के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। देख रहे मैक्सवेल का चौथा समीकरण, तो मैक्सवेल का जो चौथा समीकरण है वो क्या बताता है प्यारे बच्चों, हम यहाँ बोल दे रहे हैं, देखिए जगह की कमी है इसलिए नहीं लिख रहे हैं, मैक्सवेल का चौथा समीकरण क्या बताता है जानते हैं आप, मैक्सवेल का चौथा वाला जो समीकरण है प्यारे बच्चों वो ये बताता है कि परिवर्तनशील विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न कर सकते हैं। इस प्रकार आपका जो मैक्सवेल का प्रथम द्वितीय और तृतीय और चतुर्थ चारों जो समीकरण थे वो आपके स्क्रीन पे फुल रूप से दिखाई पड़ रहे होंगे प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी प्यारे बच्चों, यदि कहीं कोई डाउट रह गया होगा तो कमेंट सेशन में प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़िएगा कि सर मुझे ये चीज नहीं क्लियर हुई होगी प्यारे बच्चों, और उम्मीद है कि आपको कहीं भी किसी भी प्रकार का डाउट नहीं रह गया होगा। आज की जो टॉपिक रहने वाली प्यारे बच्चों, मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय तरंग का सिद्धांत, अर्थात मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंगों के प्रति अपने अपना क्या सिद्धांत दिया था, आज हम उनको समझेंगे, साथ साथ में विद्युत चुंबकीय तरंगों के अभिलक्षण को समझेंगे प्यारे बच्चों। आज की क्लास को समझाने के लिए हमने पहले से ही सारे चीजें लिख लिए हैं, क्योंकि लिखने में टाइम जाता है प्यारे बच्चों, तो जिससे वीडियो काफी लंबी हो जाती है तो आपको समझने में दिक्कतें आती हैं, तो सारा मिला जुला के कि आपको आसानी से समझ में आ सके इसीलिए सारी चीजें पहले ही लिख दी गई है प्यारे बच्चों। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले यदि आप चैनल पर नए आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा प्यारे बच्चों, और वीडियो पसंद आता तो लाइक कीजिएगा। चलिए आज की लेक्चर को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले थोड़ी सी हम पुराने, अगर आपने पिछला वाला वीडियो देखा होगा तो आज की वीडियो खूब अच्छे से जबरदस्त समझ में आने वाला है कि मैक्सवेल ने क्या बताया था। मैक्सवेल ने बताया कि यदि हम किसी परिपथ में जो बहने वाली धारा होती है उसमें परिवर्तन करें, यानी मिला जुला के एक वर्ड उसके लिए उपयोग कर लेते हैं, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्तीय विद्युत क्षेत्र। बात समझ में आ रहा, मैंने क्या बताया कि मैक्सवेल ने बताया कि किसी भी परिपथ में बहने वाली धारा में अगर परिवर्तन किया जाए, परिवर्तित विद्युत क्षेत्र उत्पन्न किया जाए तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण हो जाता है। मैक्सवेल ने यही बताया था, मैक्सवेल के नियमानुसार परिवर्तीय विद्युत क्षेत्र जो होते हैं वो क्या उत्पन्न करते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करते हैं, और विद्युत चुंबकीय जो तरंगें होती हैं उनमें दो क्षेत्र पाया जाता है, एक विद्युत क्षेत्र पाया जाता है, एक चुंबकीय क्षेत्र पाया जाता है। आइए हम समझते हैं कि आखिर मैक्सवेल ने अपने सिद्धांत से विद्युत चुंबकीय तरंग की व्याख्या कैसे की। देखिए प्यारे बच्चों, हमने उसके लिए डायग्राम बनाया है,
एक वाई अक्ष है, एक जेड अक्ष है, एक एक्स अक्ष है। एक्स वाई जेड तीन एक्सिस हम लोगों ने बनाया यहाँ पर प्यारे बच्चों। अब वाई अक्ष को हमने दिखाया विद्युत क्षेत्र ई की दिशा, अर्थात जो जैसे जैसे हम वाई अक्ष की तरफ बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे विद्युत क्षेत्र ई की वैल्यू बढ़ती जाएगी। फिर उसके बाद हमने एक जेड एक्सिस दिखाया, इधर चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा दिखाया, मतलब इधर की तरफ जितना बढ़ेंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र बी की दिशा बढ़ती चली जाएगी प्यारे बच्चों। फिर उसके बाद ये आगे जो दिखाया गया है, आगे दिखाया गया तरंग संचरण की दिशा, तरंग संचरण की दिशा यानी जो तरंग है वो ऐसे ऐसे श्रृंग और गर्त के रूप में ऐसे ऐसे करके आगे की तरफ बढ़ रही है। ठीक, देखिए तरंग संचरण की दिशा एक्स अक्ष को हमने दिखाया है, मतलब तरंगे यहां से यहां, यहां से यहां, यहां तक चल बढ़ चुकी है। अब आप एक बात यहां से समझिएगा प्यारे बच्चों कि चुंबकीय क्षेत्र को हमने रेड मार्कर से रेड रेखा से दिखाया है या लाल रेखाओं से दिखाया है, और जो आपकी विद्युत क्षेत्र है उसे हमने काली रेखाओं से दिखाया है। अब आप यहां समझिए क्या होता है, कैसे आप ये एक दूसरे के लंबवत होते हैं। तो मैक्सवेल ने बताया मैक्सवेल के नियमानुसार परिवर्ती, क्या प्यारे बच्चों, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र, परिवर्ती विद्युत क्षेत्र क्या उत्पन्न कर देते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। परिवर्ती विद्युत क्षेत्र वैद्युत चुंबकीय तरंगे क्या करता है, व्यक्त कर दे विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न कर देता है। चलिए इतनी बात तो मैक्सवेल के द्वारा पता चला, विद्युत चुंबकीय तरंग उत्पन्न करता है। अब ये विद्युत चुंबकीय तरंगे जो इनकी खास बातें होती हैं, इनमें दो प्रकार की क्षेत्र पाई जाती है, एक विद्युत क्षेत्र होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र होता है। और ये विद्युत क्षेत्र, ये जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं, विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं, एक दूसरे के क्या लंबवत, तथा संचरण की दिशा के भी लंबवत होते हैं, तथा संचरण की दिशा के लंबवत होते हैं, की दिशा के लंबवत होते हैं, जो कि आपको डायग्राम में प्यारे बच्चों दिखाया जा रहा है, यही है। अब आप एक बार फिर से समझिए, मैक्सवेल क्या बता रहे हैं कि परिवर्ती विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंग का निर्माण करती है। ये उन्होंने अपने पहले पहले ही लाइन में बोल दिया कि भाई साहब परिवर्ती विद्युत क्षेत्र विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण करेंगी। चलिए इतनी बात हम मान लेते हैं। अब आगे बोल रहे हैं कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे में जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र पाए जाते हैं, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। देखिए विद्युत क्षेत्र, ये आप यहां पर देखिए प्यारे बच्चों, वाई ये है, जेड ये है, तो आप देखिए विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के क्या है प्यारे बच्चों, लंबवत है। हर एक जगह जो है आप देख सकते हैं 90 अंश का एंगल बन रहा होगा। तो विद्युत क्षेत्र चुंबकीय क्षेत्र के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। और साथ साथ कह रहा है ना कि जो संचरण की दिशा है उसके भी ये दोनों लंबवत होंगे, विद्युत क्षेत्र भी लंबवत होगा और चुंबकीय क्षेत्र भी लंबवत होगा। यानी प्यारे बच्चों जब आपका ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं, ये पहली वाली उंगली को समझिएगा जो जिसे आप तर्जनी कहते हैं प्यारे बच्चों, ये विद्युत चुंबकीय तरंगे ऐसे जा रही है, तो इस समय इसमें जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा प्यारे बच्चों, वो मान लेते हैं ये वाली उंगली व्यक्त कर रही है, और साथ में प्यारे बच्चों आगे कह रहा चुंबकीय क्षेत्र। तो चुंबकीय क्षेत्र के लिए हम कैसे आपको दिखाएं प्यारे बच्चों, मान लीजिएगा चुंबकीय क्षेत्र यहां पर होगा, एक यहां पर दिखाई पड़ रहा होगा, आप समझिएगा जरा सा, जैसे ये विद्युत चुंबकीय तरंगे इधर जा रही हैं, ऐसे करके इधर की तरफ जा रही हैं, तो इसमें दो दो क्षेत्र उत्पन्न होगा, एक विद्युत क्षेत्र एक चुंबकीय क्षेत्र। तो मानते हैं अगर चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ हो, चुंबकीय क्षेत्र आपकी तरफ हो और विद्युत क्षेत्र ऊपर की तरफ हो, तो ये तीनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं, तीनों एक दूसरे के क्या होते हैं, लंबवत होते हैं। ऐसे आप ये समझे होंगे फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ऐसे इस प्रकार तीनों परस्पर एक दूसरे के लंबवत। आइए हम इसको समझा देते हैं। ये मान लीजिए विद्युत चुंबकीय तरंग हो गया पहले बच्चों, ये अंगुली मध्यिका जिसे आप कहते हैं, ये विद्युत चुंबकीय क्षेत्र को व्यक्त कर रहा है और ये विद्युत क्षेत्र। तो भैया वही मैक्सवेल ने बताया कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं वो संच आगे की तरफ तो चलती हैं, मान लीजिए संचरण कर रही हैं, परंतु जो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र होते हैं वो संचरण दिशा के भी लंबवत होते हैं और एक दूसरे के भी
लंबवत होते हैं। यही है मैक्सवेल के चुंबकीय तरंग का सिद्धांत प्यारे बच्चों। और एग्जाम में अधिकतर पूछता है, अधिकतर एग्जाम में ये क्वेश्चन पुट अप करता है, वैद्युत चुंबकीय तरंगों का सिद्धांत क्या होता है। क्या इतनी बात क्लियर हुई? अब हम आगे आगे बढ़ेंगे, विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण देखेंगे। विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रॉपर्टीज कितने होते हैं प्यारे बच्चों। और बता दें विद्युत चुंबकीय तरंगों का अभिलक्षण निम्नलिखित प्रकार है। अब जितनी सारी चीजें यहां बता दी जा रही उससे भी ज्यादा कहीं अभिलक्षण मिल जाएंगे इनके पहले। आइए हम देखते हैं। अब इनकी जो पहली प्रॉपर्टी होती है विद्युत चुंबकीय तरंगों का, पहली प्रॉपर्टी जो होता है वो होता है विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो चाल होती है वो प्रकाश के वेग के बराबर होती है। अर्थात जितनी वेग से प्रकाश चलेंगी उतनी तेजी से विद्युत चुंबकीय तरंगे भी चलती हैं। अर्थात अब आपको पता होना चाहिए प्रकाश का वेग होता है 3×10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। उतनी तेजी से विद्युत चुंबकीय तरंगे भी संचलित करती हैं, उतनी तेजी से विद्युत चुंबकीय तरंगे भी चलती हैं। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही हैं? यहां लिखा गया विद्युत चुंबकीय तरंगों का जो वेग होता है वो प्रकाश के वेग के क्या होता है, बराबर होता है। अगला जो अगली प्रॉपर्टी क्या लिखी है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे आखिर किसके कारण उत्पन्न होती है, विद्युत चुंबकीय तरंगे किसके कारण उत्पन्न होती है। वहां तो मान लिए परिवर्ती विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होती है, क्या और किसी विधि से उत्पन्न किया जा सकता है? जी और एक विधि है, हमने पढ़ा था या प्यारे बच्चों अभी नहीं पढ़ाया गया होगा, बामर लाइमन पास्टर्न फुंड, ये सारी श्रेणियां होती हैं। वहां पर बताया जाता है कि जब किसी परमाणु को बाहर से ऊर्जा दिया जाता है तो परमाणु के उपस्थित परमाणु में जो इलेक्ट्रॉन रहता है वो बाहर की ऊर्जा को लेकर इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षा को छोड़कर दूसरे कक्षा में चला जाता है, उसे संक्रमण कहते हैं प्यारे बच्चों। और जब वो अपनी पुरानी कक्षा को छोड़कर किसी उच्च ऊर्जा वाले कक्षा में जाता है तो वहां कम समय के लिए रहता है और फिर वापस लौट आता है, तो लौटते वक्त वह विकिरण उत्सर्जित करता है प्यारे बच्चों, ऊर्जा के रूप में विकिरण उत्सर्जित करता है, तो वहां पर विद्युत चुंबकीय तरंगों का निर्माण होता है। यही चीज लिखा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कण द्वारा उत्पन्न होता है। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही प्यारे बच्चों? आपने एक पढ़ा होगा साइक्लोइलेक्ट्रॉन, पढ़े थे ना, वान डे ग्राफ जनित, ये सब क्या करते हैं, आवेशों को त्वरित करते हैं, आवेशों को एकदम गतिमान करते हैं। याद आ रहा होगा प्यारे बच्चों, यदि आपने नहीं पढ़ा वान डे ग्राफ जनित तो आप जाके तुरंत वान डे ग्राफ जनित को देखिए। ठीक, क्या इतनी बातें आपको क्लियर हो रही कि विद्युत चुंबकीय तरंगे त्वरित आवेशित कणों द्वारा उत्पन्न होती है। चलिए अगले पॉइंट की चर्चा करते हैं। ये जो तरंगे होती हैं, जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं, वो निर्वात में भी चलती हैं भैया। विद्युत चुंबकीय तरंगे निर्वात में भी चलती हैं, परंतु इनका जो निर्वात में वेग होता है वो 1/μ0ε0 के बराबर होता है। ये लिखा गया, देखिए ये तरंगे निर्वात में 1/μ0ε0 वेग से संचरित होती है, अर्थात निर्वात में भी इनका वेग इसके बराबर होता है, 1/μ0ε0 के बराबर होता है। अब जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती हैं उनकी प्रकृति अनुप्रस्थ की होती है, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे होती है जो श्रृंग और गर्त के रूप में प्यारे बच्चों चलती है। ये देखिए अनुप्रस्थ की प्रकृति है, जो इस प्रकार चले वो अनुप्रस्थ प्रकृति होती है। तो भैया विद्युत चुंबकीय तरंगों की प्रकृति क्या होती है, अनुप्रस्थ होती है। क्या इतनी बात क्लियर हो रही प्यारे बच्चों? अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्या करा, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र ये है, चुंबकीय क्षेत्र ये है प्यारे बच्चों। चलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र ई है और चुंबकीय क्षेत्र बी है, रेड वाले चुंबकीय क्षेत्र हैं और ब्लैक वाले भी है विद्युत क्षेत्र है। क्या कह रहा कि विद्युत चुंबकीय तरंग में, विद्युत चुंबकीय तरंग का ये दिखाया गया आपको, विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र विद्युत क्षेत्र। तो विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो कलांतर होता है ना वो π/2 का होता है प्यारे बच्चों, अर्थात दोनों में 90 अंश का कलांतर होता है। इतनी बात समझ ले,
कालांतर क्या होता है प्यारे बच्चों, वो भी अभी आप कालांतर इस समय हम बता दे रहे हैं, परंतु आगे की क्लास में भी जब प्रकाश की पढ़ाने लगेंगे तो वहां कालांतर की व्याख्या हम लोग आराम से सीखेंगे, या तो हमने प्रत्यावर्ती धारा में कालांतर पढ़ा था, पढ़े थे ना, तो वही चीज समझिएगा कि कालांतर क्या होता है प्यारे बच्चों। अब विद्युत चुंबकीय तरंग में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कालांतर पाई बाई टू होता है, मतलब विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र के बीच में जो अंतर आता है वो कितने का रहता है, पाई बाई टू अर्थात 90 अंश का रहता है। अब आगे अगला जो प्रॉपर्टी है, इन तरंगों में अपवर्तन, व्यतिकरण, परावर्तन और ध्रुवण भी होता है। मिसप्रिंट है मेरे बच्चों, दो बार लिख दिया गया, कोई बात नहीं। इन तरंगों में अपवर्तन, व्यतिकरण और परावर्तन तथा ध्रुवण भी होता है। तो कुछ ऐसे प्यारे बच्चे हैं जो कि इनके बारे में जानते होंगे, क्योंकि ये कक्षा 10 में आपने पढ़ा होगा अपवर्तन, ठीक, ये भी कक्षा 10 में पढ़ाया गया होगा परावर्तन, परंतु ये दो चीजें आपने नहीं पढ़ाया, तो इंतजार कीजिए प्यारे बच्चों, जब सेकंड फिजिक्स स्टार्ट करेंगे हम वहां पर चर्चा करेंगे ध्रुवण और व्यतिकरण का, ठीक। ध्रुवण क्या होता है, व्यतिकरण क्या होता है, अर्थात ये जो विद्युत चुंबकीय तरंगे होती है उनका अपवर्तन भी होता है। जब विद्युत चुंबकीय तरंगे, एज ए समझिए, पहले हम आपको अपवर्तन क्लियर कर देना चाहते हैं, थोड़ा सा याद करा दें प्यारे बच्चों। अपवर्तन होता है कि जब कोई प्रकाश किरण एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित, वह अपने मार्ग से क्या हो जाती है, विचलित हो जाती है। अर्थात प्यारे बच्चों, विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी यह प्रॉपर्टी पाई जाती है, यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे एक माध्यम से चलकर दूसरे माध्यम में प्रवेश करेंगी तो वह भी अपने मार्ग से विचलित हो जाएंगी। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही प्यारे बच्चों, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं, अर्थात विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी अपवर्तन होता है, ठीक। अब व्यतिकरण क्या होता है, ध्रुवण क्या होता है प्यारे बच्चों, इस समय हम इनकी चर्चा यहां पर नहीं करेंगे, परंतु आगे की क्लास में व्यतिकरण और ध्रुवण आपको बताया जाएगा, तो आप वहां से याद दिमाग में आ जाएगा कि हाँ विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी यह घटना होती है। चलिए अब हम बात करेंगे परावर्तन की, जो आप जानते हैं। परावर्तन में क्या होता है कि जब कोई प्रकाश किरण किसी पॉलिशदार सतह पर, किसी पॉलिशदार दर्पण पर पड़ती है तो वह उसी माध्यम में वापस लौट जाती है, यह घटना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। तो प्यारे बच्चों, ऐसा ही सेम टू सेम डिट्टो वाली प्रॉपर्टी विद्युत चुंबकीय तरंगों में भी होती है, अर्थात जब कोई विद्युत चुंबकीय तरंगे किसी दर्पण यानी किसी चिकने तल पे पड़ती हैं तो वह पुनः उसी माध्यम में वापस लौट जाती हैं। यह विद्युत चुंबकीय तरंगों में परावर्तन भी होता है। अब हम आगे की प्रॉपर्टी को पढ़ते हैं, अगली प्रॉपर्टी क्या कह रहा है, देख रहे हैं प्यारे बच्चों, आज हमको यहां पर महत्तम मान नहीं बताना पड़ेगा, क्योंकि आपने प्रत्यावर्ती धारा पढ़ा है, वहां पर महत्तम मान खूब अच्छे तरीके से बताए कि किसी भी क्षण धारा का, वोल्टेज का, चुंबकीय क्षेत्र का, किसी का भी अधिकतम मान ही महत्तम मान कहलाता है। तो यहां पर क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र का महत्तम मान ई नॉट तथा चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान बी नॉट का जो अनुपात होता है ना, वो निर्वात में तरंगों की चाल के बराबर होता है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के क्या होता है, बराबर होता है। यानी जरा सा इस पॉइंट को ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, अपने दिमाग में बैठा के रखिएगा कि इस पॉइंट में न्यूमेरिकल आपके बहुत सारे पूछे गए हैं एग्जाम में, ध्यान से, ये कोई ऐसा हल्का फुल्का पॉइंट नहीं है प्यारे बच्चों। आप इस फार्मूले को, इस सूत्र को याद करके रखिएगा कि ये एग्जाम में यहां से इस सूत्र पे न्यूमेरिकल पूछा जाता है, और हम न्यूमेरिकल का नेक्स्ट क्लास जो है न्यूमेरिकल का ही रहेगा इन टॉपिकों पे। फिर से, विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत व चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान, प्यारे बच्चों विद्युत क्षेत्र का महत्तम मान ई नॉट और चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान बी नॉट, तो विद्युत चुंबकीय तरंगों में विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र का महत्तम मान का जो अनुपात होता है वो विद्युत चुंबकीय तरंगों की चाल के क्या होती है, बराबर होती है।
अर्थात सी इक्वल टू बराबर सी इक्वल टू ई नॉट अपॉन बी नॉट। क्या इतनी बात क्लियर हो गई प्यारे बच्चों? चलिए अब अगली प्रॉपर्टी करते हैं। इन तरंगों के स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम का मतलब होता है समूह, एक श्रृंखला, एक क्रम से तैयार की गई श्रृंखला। इन तरंगों के स्पेक्ट्रम में तरंग दैर्घ्य का जो मान होता है वो शून्य से अनंत तक होता है। बात समझिए जरा सा, स्पेक्ट्रम में इन तरंगों की जो स्पेक्ट्रम प्राप्त होती है, एक श्रृंखला जो प्राप्त होती है, उसमें जो तरंग दैर्घ्य की वैल्यू आती है वो जीरो भी होती है, एक भी होती है, दो भी होती है और अनंत तक चली जाती है। अगली प्रॉपर्टी, विद्युत चुंबकीय तरंगों द्वारा उत्पन्न जो प्रकाशिक प्रभाव होता है, अर्थात जहां विद्युत चुंबकीय तरंगें जहां से गुजरती हैं या विद्युत चुंबकीय तरंगों में जो प्रकाश का प्रभाव देखने को मिलता है प्यारे बच्चों, वो प्रकाश का प्रभाव केवल विद्युत क्षेत्र के कारण उत्पन्न होता है, न कि चुंबकीय क्षेत्र के कारण। ये पॉइंट आपका देखिए क्या बता रहा है, ये पॉइंट आपको बता रहा है कि भाई किसी भी विद्युत चुंबकीय तरंगों के कारण जो प्रकाश की प्रभाव उत्पन्न होती है, जो प्रकाश की घटना उसमें होती है, वो उसके विद्युत क्षेत्र के कारण होता है प्यारे बच्चों। इस प्रकार विद्युत चुंबकीय तरंगों की जो प्रॉपर्टीज थी और मैक्सवेल ने विद्युत चुंबकीय तरंग के प्रति क्या सिद्धांत दिया था प्यारे बच्चों, वो सारी क्लास यहाँ पर छोटी सी क्लास में समाप्त कर दिए गए। आप इसका एक स्क्रीनशॉट लीजिएगा प्यारे बच्चों, और उम्मीद है आई होप कि आज की वीडियो आपको जबरदस्त पसंद आया होगा, और पसंद आया होगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों क्या शेयर कीजिए प्यारे बच्चों, और कोई भी डाउट या कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा कमेंट छोड़िए प्यारे बच्चों। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो देखिए और एंजॉय कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।